किसी भी प्रवेश परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। भारत के प्रमुख क्षेत्रीय त्योहार, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, ओणम केरल में मनाया जाता है, असम में भोगली बिहू त्योहार मनाया जाता है, पंजाब तथा हरियाणा में लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है, उत्तर भारत विशेषकर राजस्थान में तीज का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लगभग समूचे उत्तर भारत में करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। बिठोवा त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गणगौर का पारंपरिक उत्सव विशेषकर राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान में ही उब छठ नामक त्योहार बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश में दीपावली के बाद आने वाली छठ का उत्सव बहुत ही उल्लास से मनाया जाता है। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक मेले, प्रयाग उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश, इन चारों जगह पे ही कुंभ मेले का आयोजन बारी बारी से होता है। उर्स मेला अजमेर यानी कि राजस्थान में लगता है। माघ मेला इलाहाबाद में लगता है। सोनपुर पशु मेला सोनपुर बिहार में आयोजित होता है। पुष्कर मेला अजमेर में, घामोनी उर्स सागर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। कंस मेला उत्तर प्रदेश मथुरा में आयोजित किया जाता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। मथुरा उत्तर प्रदेश में रथ मेला का आयोजन होता है। बटेश्वर मेला का आयोजन आगरा उत्तर प्रदेश में किया जाता है। बाबा गरीबनाथ मेला शाजापुर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ज्वालामुखी मेला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। पीर उधान मेला शिवपुरी मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। देव उठनी एकादशी का मेला मथुरा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। भारत के शास्त्रीय नृत्य एवं उससे संबंधित लोकप्रिय नर्तक एवं नर्तकी, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम। भरतनाट्यम में यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मृणाली साराभाई और स्वप्न सुंदरी का नाम सम्मान से लिया जाता है। कथकली के क्षेत्र में शांताराव, मृणाली साराभाई, कृष्णन कुक्षी, आनंद शिवरामन को याद किया जाता है। कथक के क्षेत्र में लज्जू महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, शोभना नारायण, बिरजू महाराज सम्माननीय हैं। कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, राधा रेड्डी एवं लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम सम्माननीय है। ओडिसी नृत्य में संयुक्ता पाणिग्रही, त्रिवंदा मोहंती, इंद्राणी रहमान, माधवी विदगल एक जाना माना नाम है। मणिपुरी नृत्य के क्षेत्र में कलावती देवी, रीता देवी, थाम्बल यामा, निर्मला मेहता एवं गांबती देवी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। मोहिनी अट्टम में भारती शिवाजी, कला देवी, रागनी, देवी कनक रेले का नाम सम्मान से लिया जाता है। कथकली का संबंध केरल से है। मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। ओडिसी का संबंध उड़ीसा से है और मणिपुरी का मणिपुर से। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय लोक नृत्य है। भारत के प्रमुख लोक नृत्य, असम में खेल गोपाल, बिहू, कली गोपाल महाराज, नट पूजा, बोई साजू, ढोल नृत्य, राखा लीला इत्यादि प्रमुख लोक नृत्य हैं। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर, कठपुतली, बागरिया, शंकरिया, पनिहारी, गणगौर, राहु, ख्याल।
गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है गरबा, डांडिया रास, रासलीला, गणपति भजन, लासिया इत्यादि। जात्रा, कीर्तन, बाउल, जया, काठी, गंभीरा ये पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं लावड़ी, तमाशा, मौनी, पेवाड़ा, कोली, लिजय। बिहार का लोक नृत्य है बखो, बखाइन, विदेशिया, माघा, सोराई, जट जटिन, घुमकड़िया। केरल का लोक नृत्य है ओणम, भद्रकाली, थुलाल, पाद्यनी। झारखंड का लोक नृत्य है झाऊ, घुमकड़िया, जदूर, सरहुल, सोहराई, कर्मा। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान, करगा, भूतकोला। उड़ीसा का लोक नृत्य है संचार, डंडानटा, छाऊ, पैका, जदूर, आया, सवारी, मुद्री इत्यादि। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है घंटा, मर्दाला, कुम्मी, माधुरी, छड़ी नृत्य। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है रासलीला, नौटंकी, झूला, छपेली, कंजरी, थाली, जैता। उत्तराखंड का लोक नृत्य है कजरी, करण, चौफूला, जागर, चाचरी। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है गोडो, नवरानी, दिवारी, चैत, रीना, शुआ, टपाड़ी, शैला। पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा, गिद्दा, किकली, घमान। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है सैला, करमा, भगोरिया, राउत, सरहुल, नाचा, धसिया, सुआ। हरियाणा का लोक नृत्य है घोड़ी नाच, सांग। हिमाचल का लोक नृत्य है छारवा, जद्दा, झैंती, झागी, चंबा, छपेली इत्यादि। भारत के विभिन्न राज्यों की महत्वपूर्ण लोक कला। मांडला लोक कला राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में ही मेहंदी लोक कला भी बहुत प्रचलित है। रंगोली लोक कला महाराष्ट्र से संबंधित है, हालांकि ये पूरे देश में ही बनाई जाती है। चौक पूरना उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। साथिया लोक कला गुजरात से संबंधित है। अइपन लोक कला बिहार से संबंधित है। आपना लोक कला पहाड़ी है। सोन रखना या चौक पूरना ये लोक कला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। गोदना लोक कला बिहार से संबंधित है। भारत के प्रमुख वाद्य एवं उसके वादक। सितार, सरोद, शहनाई, संतूर, वीणा, बांसुरी, तबला हमारी भारतीय संस्कृति एवं संपदा के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। सितार के क्षेत्र में पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खां और देवर चौधरी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। सरोद के क्षेत्र में उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद अली अकबर खां, उस्ताद अलाउद्दीन का खां विशेष सम्मान से लिया जाता है। शहनाई के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्ला खां, हरी सिंह, भोलानाथ प्रसन्ना इत्यादि का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। संतूर के क्षेत्र में पंडित शिव कुमार शर्मा तथा तरुण महाचार्य का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वीणा के क्षेत्र में एस बालचंदन, गोपाल कृष्ण, असद अली का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। बांसुरी के क्षेत्र में हरि प्रसाद चौरसिया तथा पन्नालाल घोष का नाम विशेष तौर पर लिया जाता है। तबला के क्षेत्र में गुदई महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह राखा जैसी महान हस्तियों का नाम लिया जाता है। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित आईएएस प्रीलियम से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर डिटेल नोट की सीडी या डीवीडी प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई सीडी भी प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं।
मेल आईडी है VOICEFORBLIND, अर्थात voiceforblind@gmail.com। धन्यवाद। किसी भी प्रवेश परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। भारत के प्रमुख क्षेत्रीय त्यौहार, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, चौथ का त्यौहार मनाया जाता है, बिठोवा त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है, गणगौर का पारंपरिक उत्सव विशेषकर राजस्थान में मनाया जाता है, राजस्थान में ही उप छठ नामक त्यौहार बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में उर्स मेला अजमेर यानी कि राजस्थान में लगता है, माघ मेला इलाहाबाद में लगता है, सोनपुर पशु मेला सोनपुर बिहार में आयोजित होता है, पुष्कर मेला अजमेर में, घामोनी उर्स सागर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है, कंस मेला उत्तर प्रदेश मथुरा में आता है, ओणम केरल में मनाया जाता है, असम में भोगली बिहू त्यौहार मनाया जाता है, पंजाब तथा हरियाणा में लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है, उत्तर भारत विशेषकर राजस्थान में तीज का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लगभग समूचे उत्तर भारत में करम दीपावली के बाद आने वाली छठ का उत्सव बहुत ही उल्लास से मनाया जाता है। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक मेले, प्रयाग उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश, इन चारों जगह पे ही कुंभ मेले का आयोजन बारी बारी से होता है।